दोस्तों, अगर आपके पास Redmi A2 Plus स्मार्टफोन है और आपको डिस्प्ले बता रहा है फीचर नॉट अवेलेबल की प्रॉब्लम आ रही, तो मैं आपको आज की वीडियो में इसका सोल्यूशन बताऊंगा क्या आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जिस भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आ रही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। दोस्तों, जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया, आप लोग यहाँ से परमिशन को अलाउ कर सकते हैं क्या करके। जैसे मैंने अलाउ कर दिया यहाँ से परमिशन को। दोस्तों, अगर आपकी परमिशन यहाँ से अलाउ नहीं हो पाती है, तो फिर दोस्तों आपको अपने फोन की होम स्क्रीन पर आना, आपको एप्लीकेशन में आपको टाइप कर रखना है। फिर दोस्तों आपके सामने ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऐप इन्फो पर टाइप करना है। दोस्तों, अगर आपके फोन में ऐप इन्फो का ऑप्शन नहीं आता, तो फिर दोस्तों आपको अपनी फोन की सेटिंग्स को ओपन करना है। दोस्तों, जैसे अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करेंगे, फिर दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन परमिशन में टाइप करना है, आपको ऐप मैनेजर में जाना है। दोस्तों, अगर आपकी सेटिंग डिफरेंट होगी आपके फोन में, तो फिर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है अपने फोन में ऐप मैनेजर, तो आपके फोन में जो सेटिंग आ रहेगी। जैसे मैं ऐप मैनेजर पर टाइप करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है। दोस्तों, जब एप्लीकेशन को ढूंढ लेंगे, फिर आपको एप्लीकेशन इस पर टाइप करना है। जैसे मैंने इस पर टाइप किया, फिर उसको आपको उस पर टाइप करना है परमिशन पे। जैसे आप परमिशन पे टाइप करेंगे, आप यहाँ से परमिशन को आप अलाउ कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर टाइप करता हूँ, अलाउ कर दूँगा। फिर मैं बैक आऊँगा, फिर मैं इस पर टाइप करूँगा, ऐसे परमिशन को अलाउ कर दूँगा। और खुद इस तरह से ऐसे परमिशन को आप अलाउ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे परमिशन को अलाउ करती है, फिर उसको आपको बैक आना है। फिर उसको आपको इस पर टाइप करना है प्राइवेसी पर। दोस्तों, आपके फोन की सेटिंग डिफरेंट हो सकती है, तो फिर आपको ढूंढ लेना है। जैसे इस पर टाइप करेंगे प्राइवेसी पर, आपके सामने पे परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे परमिशन मैनेजमेंट है, मैं इस पर टाइप करता हूँ, तो मैं यहाँ से परमिशन को अलाउ कर सकता हूँ। फिर मैं बैक आ जाऊँगा, फिर मैं इस पर टाइप करूँगा नोटिफिकेशन एक्सेस पर। इसमें टाइप करता हूँ, तो मैं ऐसे परमिशन को आप मैं कुछ इस तरह से अलाउ कर सकता हूँ। आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से अलाउ कर सकते हैं। फिर आपको बैक आना है, यहाँ पे ये ऑप्शन है ऐप्स विद यूजर एक्सेस, मैं इस पर टाइप करूँगा। फिर मैं ऐसे इस तरह से परमिशन को अलाउ कर लूँगा, तो लोग कुछ इस तरह से परमिशन को आप अलाउ कर सकते हैं। फिर उसको आपको बैक करना है, फिर उसको आपको यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट पे टाइप करना है। फिर उसको आपको अपने फोन के अबाउट फोन पे जाना है। जैसे मैं अबाउट फोन पे टाइप करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप अबाउट फोन में जाएंगे, फिर उसको आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। फिर उसको आपको उस पर टाइप करना है सॉफ्टवेयर वर्जन पे 7 टाइम है। जैसे आप 7 टाइम सॉफ्टवेयर वर्जन पर टाइप करेंगे, तो आपके फोन का जो डेवलपर ऑप्शन है वो आ रहेगा। फिर उसको आपको बैक करना है। दोस्तों, जैसे कि आपने देखते हैं यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आ गया, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। दोस्तों, जैसे डेवलपर ऑप्शन में आएंगे, वे आपको फोन में होगा ऑफ, आपको उस पर टाइप करके ऐसे ओके पे टाइप करना है, तो ऐसे ऑन हो जाएगा। ये मैं ओके पे टाइप करता हूँ, जहाँ से डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है। फिर उसको आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगी है अलाउ स्क्रीन ओवरलेस ऑन सेटिंग्स, अलाउ एप्स दैट कैन डिस्प्ले ओवर अदर एप्स टू ओवरले सेटिंग स्क्रीन। आप उसको ऑन कर लेना है। जब उसको आप ऑन करेंगे, आपके फोन में जो प्रॉब्लम आती है डिस्प्ले ओवर अदर फीचर नॉट अवेलेबल की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग को जितना दोस्तों मैंने जो आपको ट्रिक बताई वो अपने फोन में करिएगा, और आपको जो प्रॉब्लम आती है डिस्प्ले ओवर अदर फीचर नॉट अवेलेबल की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको इसका सबसे बता दिया, तो वीडियो को पेन करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दिखा लेंगे अपन। बाय बाय, जिससे मन फ्रेंड सनी गाओ।